तरह की खबरें आ रही हैं कि 83 फिल्म के लिए रणवीर सिंह को 20 करोड़ रुपए मिलने थे। पूरी पेमेंट नहीं होती किसी भी एक्टर की फिल्म रिलीज होने से पहले, और कुछ पैसा उनका प्रोड्यूसर्स के पास ही था और लगभग 60-70% पैसा उन्हें मिला था। और रणवीर सिंह ने कम फीस इसलिए ली थी क्योंकि उनको इस मूवी पे यकीन था, उनको अपनी मेहनत पे यकीन था कि उन्होंने 4 महीने तक कपिल देव के रोल की प्रैक्टिस की है तो ये मूवी आसानी से 200 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी। और उनको यकीन था कि प्रॉफिट परसेंटेज के साथ उनका जो टोटल फीस है वो 40 करोड़ तक पहुँच जाएगी। लेकिन हुआ यूँ कि फिल्म जितने इसको थिएटर से निकालने थे अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में जाने के लिए, उसका आधा भी नहीं निकाल सकी। 150 करोड़ रुपए फिल्म को सिर्फ थिएटर से निकालने थे नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, लेकिन अफसोस सिर्फ अभी तक थिएटर से सिर्फ 60 करोड़ की कमाई हुई है और 70 भी नहीं हो पाएंगे, ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह की जो बची हुई फीस थी उन्हें वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट में हिस्सा होता है तो लॉस में भी हिस्सा होता है। अब जब लॉस इतना भारी हुआ है, प्रोड्यूसर्स के बीच में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ का लॉस है, और अगर एग्जैक्ट फिगर निकल जाएँ तो ये लॉस 100 करोड़ के आसपास पहुँचेगा, जो रिपोर्ट नहीं होता, जो लोग बताते नहीं कि इतना हमें लॉस हुआ है। तो ऐसे में अगर रणवीर सिंह की फ़ीस का 6-7-8 करोड़ रुपया कम होगा तो वो भी माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को तो बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। और कुल मिलाकर देखा जाए 83 रणवीर सिंह के करियर की डिजास्टर मूवी साबित हुई है। रणवीर सिंह इस मूवी के बाद सुपरस्टार बनने का सपना देख रहे थे लेकिन उनकी साख को बट्टा लगा है। वहीं वो बिना सुपरस्टार बने ही लगभग हर टीवी के ऐड में दिख रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि अब ये सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन आपको अपनी ब्रांड वैल्यू अपनी फिल्म के बिजनेस से साबित करनी होती है, अगर वहाँ आप साबित नहीं कर पाते तो आपके हाथ से एड्स भी निकलने लगते हैं। और यही कारण है कि ये रणवीर सिंह की ना सिर्फ साख पे बैठता है बल्कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें आने वाली फिल्म के लिए 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगा। दूसरी तरफ रणबीर कपूर है, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, ऐड करते हैं, ज़्यादा हाइप भी नहीं बनाते मूवी की, लिमिटेड प्रमोशन करते हैं और उनको आसानी से कोई भी प्रोड्यूसर 30-35 करोड़ रुपए देता है। और ऐसा माना जाता है कि उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की है वो अपने अकेले दम पर 70-80 करोड़ का बिजनेस करवाने का दम रखते हैं। वो अपना फिक्स पैसे रखते हैं कि मुझे इतने ही रुपए चाहिए एक फिल्म के, और इस वजह से हर प्रोड्यूसर उन्हें खुशी खुशी देता है, ना तो वो प्रॉफिट में शेयर मांगते हैं। और अगर प्रोड्यूसर्स को बड़ा लॉस होता है तो उसमें वो अपनी जो फीस होती है वो भी छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि रणबीर कपूर बिना सोशल मीडिया पे होते हुए भी एक सुपरस्टार का टैग लिए घूमते हैं। वहीं रणवीर सिंह एक सुपरस्टार जैसा टैग के साथ रहते हैं, ऐसा सभी को लगता है कि रणवीर सिंह सुपरस्टार हैं, बल्कि रियल में रणवीर सिंह एक सुपरस्टार के टैग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 83 फिल्म भी उनकी फ्लॉप हो गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।